अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है उमर और आप देख रहे हैं जलंधर बिल्डिंग मटेरियल स्टोर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बिल्डिंग मटेरियल तामीराती काम में इस्तेमाल होने वाला मटेरियल बहुत महंगा हो चुका है, जिसकी वजह से अब बहुत सारे दोस्त मुझसे एक क्वेश्चन करते हैं कि भाई ये जो बिल्डिंग मटेरियल होता है इसको हम होल सेल पर किस तरह परचेज कर सकते हैं। पहले ये सवाल सिर्फ दुकानदार पूछते होते थे मुझसे, जिन लोगों ने नई शॉप्स डालनी होती थी या जिनके पास सक्सेस नहीं थी होल सेल पर मटेरियल खरीदने की। लेकिन दोस्तों, अब तकरीबन कस्टमर भी ये क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई अगर हम होल सेल पर चीज़ें परचेज करना चाहें तो किस तरह करें। तो दोस्तों, ये आप दोस्तों के लिए, अगर आपने शॉप बनानी है तो आपके लिए भी ये वीडियो है और तमाम जो हमारे कस्टमर या व्यूवर्स हैं उनके लिए भी है कि आप होल सेल पर कौन से कंस्ट्रक्शन मटेरियल खरीद सकते हैं और कौन से कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है वो आप होल सेल पर नहीं खरीद सकते। चलो मैं दोस्तों आपको वन बाय वन करके तमाम मटेरियल्स के बारे में बताता हूँ जो कंस्ट्रक्शन में आपके इस्तेमाल होते हैं। उससे पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को लाजमी फॉलो कर लें। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन मुझसे बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है कि भाई होल सेल पर अगर हम मटेरियल खरीदना चाहें, परचेज करना चाहें तो कौन सी मार्केट विजिट करें, किस मार्केट से हमें मिलेगा, इसका तरीकाकार क्या होता है। तो दोस्तों, अगर आप अपना एक घर तमीर करते हैं उसमें आपका सरिया, सीमेंट, रेत, बजरी, ईंटें, ये पांच से छह चीजें बहुत अहम होती हैं और ये लगनी होती हैं। इसके बाद आपके सीवरेज के पाइप्स आ जाते हैं, इलेक्ट्रिक पाइप, इलेक्ट्रिक का सामान आ जाता है, बाथरूम की एसेसरीज वगैरह आ जाती हैं। इसी तरह दोस्तों, बाद में आपकी और भी चीज़ें इसमें आती हैं जिसमें पेंट हो गया और हार्डवेयर का सामान हो गया। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ सरिये की। दोस्तों, सरिया जो होता है ये आप आसानी के साथ जो है होल सेल रेट पर परचेज कर सकते हैं और सरिया में आप डायरेक्ट फैक्ट्री में जाकर जो है सरिया परचेज कर सकते हैं। अगर आप शॉप से सरिया परचेज नहीं करना चाहते तो उसके लिए आपको सिर्फ करना ये होगा कि भाई आपके एरिए में जो कोई फैक्ट्री है उसका पता लगाना होगा कि आपके एरिए में कौन सी फैक्ट्री है। मिसाल के तौर पर फैसलाबाद के अगर अराउंड अबाउट आप रहते हैं पास, तो इधर साइया वाला में जो है वो इंडस्ट्रियल स्टेट में एक इत्तेहाद स्टील जो अच्छा ब्रांड है उसकी फैक्ट्री है, उधर डायरेक्ट जाएं और उधर से आप सरिया परचेज कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर दोस्तों आते हैं जी आपका सीमेंट पर, क्या आप सीमेंट डायरेक्ट फैक्ट्री से या होलसेल रेट पर खरीद सकते हैं। दोस्तों, डायरेक्ट फैक्ट्री से आप सीमेंट परचेज नहीं कर सकते अगर आम एक कस्टमर हैं आप। इसके लिए आपको डीलरशिप लेनी पड़ेगी और जब तक आप डीलरशिप नहीं लेंगे आप होलसेल रेट पर फैक्ट्री से सीमेंट नहीं उठा सकते। तो वैसे दोस्तों, सीमेंट के हवाले से मैं आपको बता दूं कि जो दुकानदार होते हैं आम, वो भी इसमें ज़्यादा मार्जिन नहीं रख रहे होते, 5 से 10 रुपए, इससे ज़्यादा इसमें मार्जिन नहीं होता है। और बड़े बड़े जो डीलर्स होते हैं जो आगे दुकानदारों को भी छोटे सप्लाई कर रहे होते हैं, वो तो 2-3 रुपए पर सेल कर रहे होते हैं सीमेंट, इतना मार्जिन रखें क्योंकि उनकी डेली 2,000, 3,000, 5,000 तक बोरी सेल होती है, तो इसलिए 2-3 रुपए का मार्जिन भी काफ़ी हो जाता है। तो वैसे आम जो सीमेंट है ये आइटम काफ़ी ज़्यादा सेल होने वाली है तो आम दुकानदार भी 5-10 रुपये इसमें मार्जिन रखते हैं, ज़्यादा नहीं रखते। दोस्तों, ये तो सीमेंट और आपका सरिया हो गया। सरिया आप परचेज कर सकते हैं, सीमेंट आप होलसेल रेट पर डायरेक्ट फैक्ट्री से परचेज नहीं कर सकते। अब आते हैं आप भट्टे की ईंट और आपका जो है वो रेत और बजरी, ये भी दोस्तों आप होलसेल रेट पर परचेज कर सकते हैं। रेत आप चिनाब से या फिर रावी से, जिधर से रेत आती है उधर आप डायरेक्ट जाकर उनसे सौदा कर सकते हैं। अगर आपको 2 डैम्पर चाहिए हो, 1 डैम्पर चाहिए हो, और उधर से आप जाकर लेके आ सकते हैं। जी तो दोस्तों, इसी तरह आप जो है वो बजरी के प्लांट्स पर जाकर बजरी के डैम्पर भी आसानी के साथ परचेज कर सकते हैं। और इसी तरह दोस्तों, इसके बाद आ जाती हैं आपकी ब्रिक्स, भट्टे की ईंट, वो तो डायरेक्ट आप ब्रिक्स कंपनीज जो होती हैं या जिनको हम भट्टा कहते हैं उधर भी जाकर आप आसानी के साथ परचेज कर सकते हैं। हमारे एरियाज में तो काफ़ी भट्टे हैं, लोग डायरेक्ट भट्टों पर चले जाते हैं, लेकिन दोस्तों कुछ जगह ऐसी होती हैं या सिटी के जो एरियाज होते हैं उधर शॉप से लोगों ने ईंटें रखी होती हैं, उधर से भी आप परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो डायरेक्ट कंपनी से यानी जो भट्टा होता है उधर जाकर आप आसानी के साथ जो है वो अपने ईंटें भी आप खरीद सकते हैं। यानी आपका रेत, बजरी, सरिया और ईंटें हैं ये आप आसानी के साथ जो है वो होलसेल रेट पर परचेज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आ जाता है आपके सैनिटरी के पाइप्स वगैरह, ये टैंकीज मेरे पीछे पड़ी हैं आप देख सकते हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं या फिर बाथ सेट वगैरह, ये आप जो है ये होलसेल रेट पर नहीं परचेज कर सकते। आप बड़ी से बड़ी भी शॉप पर चले जाएं तो ये आपको होलसेल रेट नहीं देंगे, ये होलसेल रेट सिर्फ दुकानदारों को मिलते हैं, इनमें आपको जो है वो होलसेल रेट पर कहीं से भी सामान नहीं मिलेगा जब तक कि आपकी कोई शॉप वगैरह ना हो। इसके बाद दोस्तों आपका पेंट आ जाता है, पेंट के हवाले से भी अच्छी है आपके पास न्यूज़ है कि पेंट भी आप होलसेल रेट पर परचेज कर सकते हैं। किसी भी कंपनी से, उसके सेल्समैन से रابطہ करें, वो आपको आसानी के साथ होलसेल रेट पर पेंट जो है दिलवा देगा। दोस्तों, पेंट के हवाले से मैं आपको बता दूंगा उसका हिसाब भी थोड़ा सा सीमेंट जैसा ही होता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, अच्छी जो कंपनीज हैं
उनका जो पेंट होता है उसमें मार्जिन बहुत कम होता है और कई मरतबा तो कंपनी के रेट से कम रेट पर आपको जो बड़ा डीलर है या जिसकी शॉप है वो दे देगा। तो इस तरह आप जो है वो होलसेल रेट पर कुछ मटेरियल्स परचेज कर सकते हैं। हार्डवेयर भी अगर आप लेना चाहते हैं तो वो भी जब तक आपकी शॉप वगैरह नहीं होगी आपको होलसेल पर नहीं मिलेगा। तो दोस्तों कुछ मटेरियल्स हैं जो आप आसानी के साथ जो है वो होलसेल रेट पर परचेज कर सकते हैं बिल्डिंग मटेरियल के हवाले से, और कुछ इसमें से हैं जो आप नहीं परचेज कर सकते जब तक आपके पास डीलरशिप ना हो। दोस्तों यदि मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।